नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आयुरस हीलिंग हब में। आजकल हेयर फॉल या हेयर लॉस की प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है। अक्सर मैं क्लिनिक पे भी देख रही हूं कि हर दूसरा या तीसरा पेशेंट हेयर फॉल या हेयर लॉस की प्रॉब्लम शेयर करता है। अगर डेटा एनालिसिस करें तो मिडल एज ग्रुप में, यानी कि 26 के बाद से लेकर 50 सालों तक की एज में, महिलाओं या पुरुषों दोनों में मिलाकर लगभग 64% लोगों में सीवियर या मॉडरेट हेयर लॉस पाया जाता है। अगर यंग एज की बात करें, यानी कि 16 साल से लेकर 25 साल तक के लोगों को देखें, तो यही परसेंटेज 25% हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये संख्या पिछले 20 सालों के मुकाबले तकरीबन डबल हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या कारण है हेयर फॉल का, कैसे इसे रोका जाए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी है या कुछ हर्ब्स हैं जिससे इसे फटाफट से ठीक किया जा सकता है। और इसी वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगी एक खास टिप जिससे आपके हेयर फॉल की समस्या बहुत ही आसानी से जल्द ठीक होगी। तो पूरी जानकारी के लिए आप एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं हेयर फॉल के कारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारा जो हेयर स्ट्रैंड है ये प्रोटीन का बना होता है, बट अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन के साथ साथ आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, जिंक, फॉलिक एसिड, फॉलेट, ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में चाहिए होते हैं। तो आप सब सोचेंगे कि क्या इतने सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे हेयर फॉल ठीक करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस लाएं, अगर आप अपनी डाइट को समझें कि हमने क्या करना है, तो आपको ये सब न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट से ही प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं। जी हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें खाने की कोशिश करें, यानी कि नेचर ने हमें जिस फॉर्म में हमें अनाज दिया है, फ्रूट दिया है, उसी फॉर्म में खाने की कोशिश करें। जैसे फल और सब्जियां तो हर कोई उसी फॉर्म में खाता है, लेकिन अनाज हमें होलसम अनाज या ग्रेन्स लेने चाहिए। आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। आप सफेद या पॉलिश राइस की जगह ब्राउन राइस खाना शुरू करें। इसी तरह अगर आटे में से आप भूसी निकला हुआ आटा लेते हैं, या ब्रैन कहते हैं, ब्रैन निकला हुआ आटा लेते हैं, तो उसे नहीं लीजिए, कंप्लीट आटा लीजिए। तो इसी तरह और एग्जाम्पल है, आप दलिया ले सकते हो, रागी ले सकते हो, चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें। यानी कि जैसे हमें चीजें नेचुरल वे में मिली हैं उसे वैसे ही लें। इसका दूसरा मतलब है रिफाइंड प्रोसेस्ड चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। डिब्बा बंद, बॉटल बंद, प्रिजर्वेटिव चीज, आप जितनी इनकी मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाएंगे, आप समझिए कि आप न्यूट्रिशन से उतना दूर होते जा रहे हैं। तो आज से ही ये शुरुआत करें कि नेचुरल, जो नेचुरल फॉर्म में हमें चीजें मिलती हैं, उन्हीं को खाना शुरू करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका न्यूट्रिशन जो है बिल्कुल सही रहेगा, आपको सभी न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे। दूसरा कारण जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत बड़ा है वो है ब्लड सर्कुलेशन का वीक हो जाना या ठीक से काम ना करना। जितना भी न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड एब्जॉर्ब करता है, और ब्लड का ही काम होता है कि वो हमारे हर सेल तक उस न्यूट्रिशन को पहुंचाए। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन सही से काम नहीं करता, कुछ स्पेशल ऐसी जगहें होती हैं, जैसे हमारा स्कैल्प है, ये एक सबसे ऊंचे स्थान पर है, तो ब्लड के लिए यहाँ तक सर्कुलेट करना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ा टफ होता है। जब ऐसी कंडीशन में ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पूरी तरह से नहीं होता, तो हमारी बॉडी ये एनालिसिस करती है कि ब्रेन या और वाइटल ऑर्गन्स को तो वो न्यूट्रिशन पूरा देती है, लेकिन सबसे पहली जो कमी दिखाती है वो हेयर में दिखाती है। बॉडी एनालिसिस करती है कि अगर हेयर को न्यूट्रिशन नहीं भी मिले तो बॉडी को इतना नुकसान नहीं होगा। तो आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका है कि आप हेयर मसाज कीजिए, हेड मसाज कीजिए। हेड मसाज से ब्लड सर्कुलेशन वहां तक पहुंचता है। ये हेड मसाज आपको बहुत तेज नहीं करनी, नेचुरल ऑयल से करनी है। आप सरसों के तेल से कर सकते हैं, बादाम तेल से कर सकते हैं, नारियल के तेल से कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है, उन्हें ये दिक्कत नहीं आती है, तो आप डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन,
हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या DHT बोलते हैं। ये हार्मोन जो है हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार होता है। जब ये ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है तो हेयर फॉलिकल को मिनिमाइज करता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और हेयर में रीग्रोथ भी नहीं हो पाती। नेचुरली बहुत से फूड आइटम्स हैं जो DHT को ब्लॉक करते हैं, यानी कि अगर वो हाइपर एक्टिव है तो उसकी एक्टिविटी को रोकते हैं। आप इनका सेवन कर सकते हो। इनमें से कुछ चीजें हैं वाटरमेलन, टमाटोज, पंपकिन, ये सब चीजें जो है DHT की उसको कम करते हैं, आप इनका सेवन कर सकते हैं। फोर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी काउंटिंग अब बढ़ रही है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस के लिए आप योगा कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो किसी अच्छी एंटी स्ट्रेस हर्ब का नेचुरल वे में पाउडर ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने अपनी पहली एक वीडियो अश्वगंधा के बारे में बताया है, उसमें बताया है अश्वगंधा आप कैसे यूज करें, कैसे ये स्ट्रेस में काम करता है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला स्टेप है कि आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस करें और जो भी कारण हेयर फॉल के मैंने बताए हैं उन सबको दूर करें। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे हर्ब्स जो इस्तेमाल में लाने से आपके हेयर एकदम रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहला नाम है इसमें भृंगराज का। आयुर्वेद में भृंगराज को खालित्य यानी कि गंजेपन की या बाल झड़ने की और हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताई है। आप भृंगराज का पाउडर लेकर उसकी पेस्ट बनाए और रूट्स पे, हेयर रूट्स पे लगाए, तुरंत ही आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। भृंगराज जो है वो वासो डायलेशन करता है, यानी कि आपकी स्कैल्प की आर्टरीज को डायलेट करता है, वाइडन करता है, अंदर से बड़ा करता है, ताकि ब्लड वहां से आसानी से सर्कुलेट हो सके और आपके हेयर को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके। दूसरा बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेश ताजे ग्रीन कड़ी पत्ते लीजिए और उनको मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट बना लीजिए। ये पेस्ट आप हेयर के ऊपर, जैसे कई लोग मेहंदी अप्लाई करते हैं, उस तरह से ये पेस्ट लगाइए। आधा घंटे तक लगा के रखिए और उसके बाद हेड वॉश कर लीजिए। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है और फौरन ही रिजल्ट देने लगता है। तीसरा जो एक और उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी वो है अनियन जूस का इस्तेमाल करना। आप 2 अनियन मीडियम साइज के लीजिए, उसे छील लीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। वो जो पेस्ट बनेगी उसको आप फिर से किसी कॉटन के क्लोथ में या सीव में दबाकर गूदा ऊपर रहने दीजिए और जूस नीचे निकाल लीजिए। इस जूस को आप किसी ब्रश से या फिर कॉटन से हेयर के रूट्स में लगाइए, स्कैल्प पे, हेयर रूट में। आप जैसे ही इसको लगाएंगे थोड़े दिनों में ही आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल काफी कम हो गया है और साथ ही साथ जहां पर भी हेयर लॉस था वहां पर हेयर की रीग्रोथ होने लगी है। सही में ये सभी फॉर्मुलेस बहुत ही इफेक्टिव हैं, आप इन्हें जरूर यूज कीजिएगा। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। आप 2 चम्मच काली जीरी लीजिए एक बाउल में और दूसरे बाउल में मेथी के सीड्स लीजिए। इन दोनों में 1-1 कप गर्म पानी डालिए और रात भर इनको ओवर सोक के लिए रख दीजिए। सुबह जब आप इनको देखेंगे तो ये दोनों थोड़े फूले हुए होंगे। आप इन दोनों को छान लीजिए। जो पानी आपको मिलेगा वो दोनों आप मिक्स कर सकते हैं। उसमें 2 चम्मच नारियल का तेल मिला लीजिए और एक स्प्रे वाली बॉटल में आप भर के अपने पास इसे रख सकते हैं और 5-7-10 दिन तक रोज यूज कर सकते हैं। ये आपको हर्बल स्प्रे का काम करेगा। आप हेयर के ऊपर स्प्रे कीजिए और उसके बाद आप हेयर वॉश भी कर सकते हैं। रात को स्प्रे करते हैं, अगले दिन भी वॉश कर सकते हैं। इसमें खास स्मेल भी नहीं होगी, आपके हेयर का टेक्सचर भी अच्छा होगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी और काली जीरी दोनों ही बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच चीजें हैं, बहुत हेल्प करेंगी। तो इस तरह से आज हमने सबसे पहले देखा कि लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े से जरूरी हैं हेयर फॉल को ठीक करने के लिए। मैंने आपसे कुछ हर्ब्स शेयर करी जिनके यूज से आप फौरन हेयर फॉल से निजात पा सकते हैं, बल्कि आपकी हेयर की रीग्रोथ होने लगेगी। जहां पर भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, आप बेल्डनेस देख रहे हो, वहां पर रीग्रोथ होने लगेगी। अब बारी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप की।
जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना हेयर फॉल ठीक रखें और दोबारा आपको ये समस्या ना हो, तो सभी लोगों को आयुर्वेद में एक बात बताई गई है, मैं वो आज आपसे शेयर करती हूँ। आयुर्वेद में बताया कि अगर सर से ऊपर की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, स्कैल्प से रिलेटेड हो, तो आपको नस्य करना चाहिए। नस्य यानी कि ऑयल की मात्रा नाक के दोनों तरफ नॉस्ट्रिल्स में रोज डालनी चाहिए। जैसे कि आप देसी घी एक एक बूंद दोनों तरफ डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छे ऑयल्स की फॉर्मुलेशन भी है, आप अपने डॉक्टर से वो भी पूछ सकते हैं। ये अगर आप करते हैं तो आपकी ब्रेन की या आपकी सर की सभी आर्टरीज, सभी नर्व्स को पोषण मिलेगा, उनकी ऑयलिंग होगी, सर्कुलेशन ठीक रहेगा और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।